थिंक टैंक की पॉडकास्ट सीरीज ड्यूटी क्वींस में आज की ड्यूटी क्वीन एक ऐसी शख्सियत हैं जो हैं एक्सपर्ट माहौल की, और उसके अलावा वो बहुत सारे काम करती हैं, बहुत जबरदस्त अचीवर हैं और बहुत सो को इंस्पायर करती हैं और लगन से जो है अपना ये सफर उन्होंने जारी रखा हुआ है। मुश्किल शोभा है और उसमें अपनी धुन में आगे बढ़ रही है, ना सिर्फ कौमी सतह पर बल्कि बैन अक्वामी सतह पर भी उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, बहुत ही पावरफुल रिप्रेजेंटेशन की। तो आइए मिलते हैं मोमी सलीम से। मोमी, बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला, क्योंकि वो जिसे कहते हैं ना, सारी औरतें वर्किंग वेमेन होती हैं, मतलब जो एक खास तरह से पब्लिक स्फेयर में आके काम करती हैं, तो वो एक अजीब सी रूटीन हो जाती है, और फिर ये कोविड का भी जमाना चल रहा है। तो आई रियली अप्रिशिएट कि आपने इस जूम मीटिंग के लिए भी टाइम निकाला, क्योंकि हम सारे जूम 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 मीटिंग सारा दिन ये होता रहता है। तो कैसी हैं आप? और साथ साथ सवाल भी मेरा ये होगा कि एक तो वो तारुफ है जो आपके बहुत ही इंप्रेसिव सीवी में है और प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म्स पे सब गूगल करके आपको देख सकते हैं, और एक वो शख्सियत है जिससे सिर्फ आप वाकिफ हैं। तो जितना आप शेयर करना चाहें कि कैसे आप अपने आप को देखती हैं, कैसे अपने आप को डिस्क्राइब करना चाहेंगी? सबसे पहले तो डॉक्टर रक्षंदा, थैंक यू वेरी मच इस अपॉर्चुनिटी के लिए, बिकॉज एज यू नो यू योरसेल्फ आर अ रोल मॉडल फॉर मेनी ऑफ अस। और हम तो जब से जो है सिविल सोसाइटी में, या मैं कहूँगी इस पूरे डेवलपमेंट सेक्टर में आए हैं, वी हैव सीन यू कॉन्ट्रीब्यूटिंग सो मच, और आपसे ही यू आर मोर लाइक अ बेकन। तो अभी तो ये है कि जहाँ तक आपने इंट्रोडक्शन की बात की, तो ऑफ कोर्स सीवी में तो वही जो प्रोफेशनल एंगेजमेंट है और जिस तरह से जो है मैं काम कर रही हूँ। पर्सनल लेवल पे ऑफ कोर्स आई एम एन ऑर्डिनरी पर्सन जो जिंदगी में किसी कॉज एक अपने लिए सेट किया है और एक पैशन है जिसको लेके मैं चल रही हूँ। ऑफ कोर्स फैमिली में एक फायदा मुझे ये है कि फैमिली में मैं आई एम द यंगेस्ट मोस्ट, तो उसमें ये होता है कि आपको काफी लिवरेज मिल जाती है आपके ऊपर, आपके फॉर्मेटिव ईयर्स में इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होती हैं, और बड़े बहन भाई आपको काफी हद तक इस तरह की अपॉर्चुनिटीज अवेल करने देते हैं जो शायद प्रोबेबली उनके अपने टाइम पे वो ना कर सकते हैं। तो एक तो ऑफकोर्स छोटे होने के नाते एक मुझे वो मिला, फिर ऑफकोर्स जैसे जैसे हम आगे काम करते गए, बहुत से रोल मॉडल्स देखे, बहुत से मेंटर्स मिले जो बजाते खुद भी बहुत ज्यादा जो है वो अपनी फील्ड में जो है बड़े इम्पोर्टेंट हैं और बड़ा नाम रखते हैं। मैंने अपनी प्रोफेशन का आगाज किया था एस डी पी आई से, और डॉक्टर तारिक बनोरी हैं फॉर एग्जाम्पल, उनके साथ काम करने का मौका मिला, डॉक्टर आबिद सुलेरी के साथ काम करने का मौका मिला, और बहुत से ऐसे बड़े बड़े नाम हैं जिनके साथ काम करने का मौका मिला, और मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि उन्होंने मुझे ये लिबर्टी दी कि मैं उनके साथ काम कर सकूँ और आगे बढ़ सकूँ। जबरदस्त जबरदस्त। और आपका ये पॉडकास्ट जो है बहुत सारे यंगर लोग देखेंगे, आपके पीयर्स देखेंगे, लेकिन मुझे ये लगता है, और ये मेरा बहम भी है थोड़ी सी शायद इसमें हकीकत हो, कि बहुत सारे यंग लोग जो डेवलपमेंट सेक्टर को बड़ा कोई ग्लैमरस सेक्टर समझते हैं, तो उसकी हिस्ट्री से कम ही वाकिफ होते हैं। तो आपने एस डी पी आई का नाम लिया, और अभी तो बहुत मशहूर है, लेकिन मैं कुछ ये भी बताना चाहूँगी कि जो आपने मेरा ज़माना बता दिया, तो उस वक्त जो है एस डी पी आई जो है वो एन जी ओज में बहुत ज़्यादा एक ऐसी एन जी ओ थी जिसको तारिक बनोरी की वजह से बड़ी शोहरत हासिल हुई, और उस वक्त एनवायरमेंट पे काम करना जो है बिल्कुल नया सा आइडिया था, और फिर सभा ने इस काम को आगे बढ़ाया। फिर ओवरऑल डेवलपमेंट सेक्टर में उमर असवर का बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन था, और कई ऐसे नाम हैं। तो ये तो आपको बड़ा अच्छा, एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला ना अपनी जर्नी शुरू करने के लिए, लेकिन उसके बाद आपने भी तो बहुत ज्यादा मैंने देखा कि इंटरनेशनल टेक्निकल एजेंसीज के साथ आपकी प्रोफेशनल एंगेजमेंट्स रही, बहुत जो है
प्रेस्टीजियस फेलोशिप्स रही, तो ये क्या धुन थी? क्योंकि लोग तो जाते हैं एनजीओ में और फिर यही सोचते हैं कि बस किसी और एनजीओ में चले जाएं, किसी और इदारे में चले जाएं, मतलब वो भी जरूरी है और थोड़ा सा पढ़ लें, लेकिन वो पैशन मैंने देखा है कि किसी एक ही रास्ते का मुसाफिर लोग कम ही रहते हैं, वो फिर थोड़ा सा कुछ माइंड ही कर जाएंगे। बट मेरी एक स्पेशलिटी जो है ये भी है कि मैं अनपॉपुलर चीजें भी कह देती हूँ, मतलब ये कि जरा डोनर ड्रिवन होता है कि भाई इसमें अभी पैसा आ रहा है तो आज इसके एक्सपर्ट हैं, जो कि मैंने ओवरनाइट देखा एड्स का जब जमाना आया, एचआईवी एड्स में फंडिंग आई, और भी कई ऐसे मौजूदात हैं या खवातीन के हवाले से जेंडर लेंस से वो ऑनर किलिंग जो डिसऑनर बेसिकली है, तो उस हवाले से। लेकिन आप तो मैंने देखा कि नहीं, वही कंसिस्टेंसी है कि एनवायरमेंट एनवायरमेंट ऑफकोर्स उसकी बहुत स्कोप उसका बड़ा है, तो ये कैसे मतलब अपने दिल को सिर्फ एनवायरमेंट से कैसे लगा लिया, मतलब आप बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं हुई, ये कैसे आप में आया ये? डॉक्टर अक्षंता, आपको पता है ये ट्विन सिटीज जिनको हम कहते हैं रावलपिंडी और इस्लामाबाद, इसमें जो जो बंदा बड़ा हुआ है, क्योंकि अक्सर तो ये कहा जाता है कि इस्लामाबाद का कोई लोकल नहीं है, वो इसीलिए बिकॉज ये ऑफ कोर्स 1960s में, लेकिन उसके बाद जब हम लोग जब जैसे पता है हम पले बड़े इन दो शहरों में, तो आपकी एक एसोसिएशन हो जाती है और आपके जो आपके आसपास जो लैंडस्केप होता है, जो आपकी इन्वायरमेंट होती है, जैसा हम कहते हैं ना कि खुशबू आपको बहुत सी चीज़ों की याद दिलाती है, तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जो आपके इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स हैं, आपकी हवा है, उसकी खुशबू जो उसके अंदर है, जो आप देखते हैं, जो आपकी स्काई लाइन है, वो आप सब उसके साथ एसोसिएट कर लेते हैं अपने आप को, वो आपके कल्चर का हिस्सा बन जाती है। आप कल्चर क्या है, जैसे आप जी रहे हैं, जो आपका जीने का जो तरीका है, तो वो आपके हिस्सा बन जाती है लाइफ का। और आप काफी दफा ये चाहते हैं कि जब आप बड़े हो जाते हैं तो ऑफ कोर्स आप जब दोबारा पास्ट में देखना चाहते हैं तो यही वो खुशबू, यही वो स्काई लाइन, यही वो चीजें हैं जो आपको अपने बचपन, आपकी जवानी, आपकी सब चीजों की याद दिलाती है। तो मैंने ओवर द इयर्स देखा कि पाकिस्तान के अंदर तो मजमूई तौर पे, लेकिन इस्लामाबाद में जो है बेदरक दरख्तों का कटना, गाड़ियों का इजाफा हो जाना, तो वो जो तब्दीली है वो कहीं सेटलिंग नहीं थी, और वो हमेशा से ठीक एनवायरनमेंट पे हम काम कर रहे थे पहले भी, लेकिन कहीं ना कहीं वो मुझे ये लगता था कि हम सिर्फ कागजात को काला कर रहे हैं और उनको सिर्फ शेल्स में रखते जा रहे हैं, उसका फायदा किसको हो रहा है? तो वो शायद आई थिंक एक एक यंग माइंड ने एक उस वक्त ये सोचा, एक क्वेश्चन किया कि मेरे इस काम का फायदा क्या है, ये कहाँ लिंक कर रहा है। तो वो जो पॉलिसी इन्फ्लुएंस था, और हमने देखा कि लिखने में तो हम ये कह रहे हैं कि आप अपनी कंजर्व करें एनवायरनमेंट को, लेकिन प्रैक्टिकली तो हम जब देखते हैं तो वो बिल्कुल ऑपोजिट है। तो अगर मैं दिन के 8 घंटे एक ऐसा पेपर लिखने पे लगाती हूँ जो जिसका कोई असर नहीं है, जिसका कोई पॉलिसी इन्फ्लुएंस नहीं है, और जो प्रैक्टिकली जो चीजें ऑलरेडी हमारे पास है वो रिवर्स हो रही है, तो फिर मैंने ये सोचा कि बल्कि इस पर मैं आपको एक किस्सा भी सुनाती हूँ। मैंने कुछ 2-3 साल हुए मैं जब SDPI में काम करते हुए, तो मैंने एक दिन डॉक्टर साहब को फोन किया, डॉक्टर आबिद जो मेरे ऑफ कोर्स डायरेक्ट सुपरवाइजर थे और ED भी थे, तो मैंने उनको फोन करके कहा बिल्कुल तो मैंने उनको जो है कॉल करके कहा कि मैंने आपको पता है 3 सालों में छुट्टी नहीं ली थी, बिकॉज आई एम अ पैशनेट वर्कर, वो भी मैंने आपको कहा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, बस ठीक है चलते रहे। अच्छा, मैंने 3 सालों बाद डॉक्टर आबिद को एक दिन कॉल की, मैंने कहा सर आई डोंट फील मोटिवेटेड इनफ, तो मुझे कहते हैं क्या हुआ तुम्हें, मैंने कहा मुझे ये लगता है कि मेरे काम कहीं जाके उसकी कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा और मुझे ये चीज़ बहुत रिडंडेंट लग रही है। तो डॉक्टर साहब ने मुझे कहा अच्छा ठीक है तुम कुछ दिन टाइम ऑफ ले लो तो फिर तुम मेरे पास वापस आना। और उसी वक्त आई थिंक ये बिगिनिंग थी उस जर्नी की जहाँ पे ये मैंने मुझे सोच आई। फिर फॉर्चुनेटली मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी आई, मैंने जर्मन इतारा ज्वाइन किया, उसमें ऑफ कोर्स मेरे पास एक फ्लेक्सिबिलिटी आई जो आपने पहले जिक्र किया कि जी डोनर ड्रिवन होता है, तो वहां पे एक जो फ्लेक्सिबिलिटी शायद SDPI में मेरे पास नहीं थी, क्योंकि ऑफ कोर्स आई मीन जस्ट टू रन एन NGO या थिंक टैंक आपको कहीं ना कहीं डोनर्स के, या आपको कहीं ना कहीं अपने जो है प्रायोरिटीज देखनी पड़ती हैं अपनी भी और डोनर्स की भी। तो फिर मुझे वो एक फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई कि मैं वहां पे डिजाइन कर सकती थी चीजें विदाउट द फियर
कि जी फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं होगी या मेरे पास पैसे नहीं होंगे ये करने को, या मेरे जो सुपरवाइजर है वो कहेगा नहीं अभी तुम इस पे काम करो और इसको प्रायोरिटाइज करो. तो फिर ऑफ कोर्स जो मेरी अगली मेंटोर थी वो एक गोरी थी, मारियन रेगिना मुलर, जो हाइनरिश बोल स्टिफ्टुम की कंट्री डायरेक्टर थी उस वक्त, एन अमेजिंग लेडी. और उन्होंने मेरा ये पैशन देखा और शी गेव मी फ्री हैंड. और उस वक्त डॉक्टर अक्षंदा मैं बताऊं वो एक टाइम था जिसमें फिर मैं बहुत कुछ ऐसा कर सकी जो मुझे फील होता था कि अगर आपका दरख्त कट रहा है तो अगर ये एक एनवायरमेंटलिस्ट जो रिसर्चर है और वो ये बाहर देख के उसको प्रैक्टिकली नहीं देख रहा और कह रहा है तुम किस लड़ाई में पड़ गई हो, ये क्या छोटी सी कोई लड़ाई है, लेकिन उसने मुझे इस चीज की वैल्यू बताई. उसने कहा कि इसमें कोई ऐसा वो नहीं है, हम आपको सपोर्ट करेंगे. तो हम लोगों ने फिर रिक्लेमिंग ग्रीन इस्लामाबाद के नाम से एक प्लेटफॉर्म शुरू किया सोशल मीडिया के ऊपर, और फिर वही हुआ कि बहुत से लोग उसमें जुड़ते गए, इवन के मलिक अमीन असलम साहब जो भी हैं उस वक्त वो फोर्स एडवाइजर नहीं थे, वो भी उसमें आ गए. फिर इस तरह बहुत से यंगस्टर्स आ गए, फिर इस्लामाबाद के वो लोग जो इस चीज को फील कर रहे थे लेकिन उन्हें आवाज उठाने का उनका कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, उन्हें लगता था कि वो बहुत मतलब उनकी एक माइनॉरिटी सी वो है, वो नहीं बोल, कौन सुनेगा, क्या होगा. तो आई थिंक वो प्लेटफॉर्म फिर बना और फिर वहां से फिर जाहिर सी बात है फिर वो सिलसिला चलता जाता है, फिर इंटरनेशनली नेशनली, फिर आप जहां जहां आपको मौका मिलता है जहां जहां जैसे तो आप आगे चलते जाते हैं. जबरदस्त. अच्छा ये बताइए, ये वैसे स्क्रिप्ट का हिस्सा तो नहीं था लेकिन आपकी बातें सुन के मुझे ख्याल आ रहा है, वो स्क्रिप्ट मैंने इसलिए कहा कि इतने पॉडकास्ट हो चुके हैं तो अब मैं किसी से कहती हूँ अपने आने कहते हैं अच्छा वही वाले 400 साल होंगे आउट हुआ है तो. लेकिन आपने जो बात की ना एक तो ट्विन सिटीज की, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा, जो कि ट्विन सिटीज जो है वो कहते तो हैं लेकिन कोई समझता नहीं है ना, पिंडी तो पंजाब में आ जाता है और यहाँ पे ऐसी भी जगह है जहाँ पे कहते हैं पिंडी के लोग ना है, मतलब अजीब सा वो एक बायस तो है, इस्लामाबाद का थोड़ा सा स्नोबिश एक है फ्लेवर, क्योंकि मैं खुद यहाँ की हूँ तो मैं समझती हूँ इस चीज को. लेकिन एक और बात जो मेरे जहन में आपकी बातें सुनते हुए आई थी कि ये कहने को तो लग रहा था कि बड़ा आसान सा शोभा होगा ना, या मैदान के भाई माहौल यात और दरख्त और चरिंद परिंद और कोई झीलें और दरिया वगैरह पे बातें कर ली, लेकिन ये तो आप शहर इकतदार में रह रही हैं और कुछ पावर डायनेमिक्स की बात करें और फिर आप ज़ाहिर खातून हैं और एक फेमिनिस्ट खातून भी हैं, तो यहाँ पे तो बड़े कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है. जो कि अब मैं जगहों के कमर्शियल एरियाज हैं, जो कि यू आर मच यंगर देन मी, के भी जब मैं छोटी सी बच्ची थी और हम लोग जिन ग्रीन बेल्ट पे दौड़ते भागते थे वहाँ पे तो कमर्शियल प्लाजाज बन गए सारे दरख्त कट के, तो वो बड़ा मतलब दुखी होता था. और उस वक्त तो सोशल मीडिया भी नहीं था कि सारे दुखों का इजहार जिन्स पे ट्विटर पे कर दिया जाता है, फिर सब सो जाते हैं अपने कंफर्ट जोन में ही रहते, मतलब वो जो एक्टिविज्म जिसमें थोड़ी सख्ती आती है जिसकी कोई कॉस्ट पे करती है उसमें भी तो कोई भी तैयार नहीं है ना, टू बी वेरी फ्रेंक, बस थोड़ा बहुत होता है. तो नॉट टू यू नो अंडर वैल्यू वो लोग जो बाकी बड़े पैशनेट है, लेकिन मुझे ऐसा लगा. तो आप बताएं कि आप मतलब किस तरह बैलेंस रखती हैं कि एक नौकरी जिसमें इंसान को इंतहाई सेंसिबल लगना चाहिए और होना भी होता है, और एक एक्टिविज्म जो कहते हैं कि ये तो मतलब मैडनेस है, और फिर उसके बाद इस्लामाबाद में रहना और फिर मतलब पावर की गेम है और ऐसे पे पहुंच गए कहीं पे और ये दरख्त ना काटो और इस बंदर को अपनी जगह पे हैबिटेट पे कर दो, मतलब हर चीज है ना वाइल्ड लाइफ, और तो कैसे मतलब ये तो बहुत मुश्किल सा है, तो आप घबरा तो नहीं गई है, मतलब क्या क्या है इसे बताएं किस तरह डील कर रही है इसे. बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने और आई थिंक आपने उस दुखती रख पे हाथ रखा है जो आई थिंक हमें हाईलाइट करने की जरूरत है. शुरू शुरू में तो जब आप लाइम लाइट पे आते हैं तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो चाहे ग्रीन वॉशिंग करना चाहते हैं या पॉलिसी लेवल पे सिर्फ अपना जो है नाम बनाना चाहते हैं, तो वो आपके नाम को जरूर इस्तेमाल करते हैं आपको किसी प्लेटफॉर्म में हिस्सा देके या
मिसाल के तौर पे आपको किसी किस्म की कि जी आप तो बड़ी अच्छा काम कर रही हैं तो हम आपको फलानी कमेटी में डाल देते हैं, हम आपको जो है वो एंडोर्समेंट के लिए आपको जो एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट जो करते हैं ना, जो पहले प्रोजेक्ट से पहले उसके लिए बहुत सी कंपनीज आपका नाम दे देती हैं एनवायरनमेंट मतलब प्रोटेक्शन एजेंसी को कि जी हमने उनसे भी जब इंटरव्यू किया हम सोल्ड आउट हुए हैं सीवी बिल्कुल भी, और जब ऐसे खुद ढूंढने जाओ काम तो कहते हैं वो तो कोई काम ही नहीं है, या आप ही अनफिट है। मतलब ये खैर मैं अपनी दास्तान सुनाना शुरू हो गया, आप बताइए फिर। नहीं आप बिल्कुल सही कह रही हैं, आप भी यूज क्योंकि आई हुई, थिंक अब्यूज हुआ आपका नाम, बेस्ट क्योंकि माल हो गया, फिर क्या हुआ। डॉक्टर रक्षंदा आई कंप्लीटली अग्री, और आई थिंक आप भी जो अपनी जर्नी बता रही हैं एग्जैक्टली यही होता है कि कहीं ना कहीं आपके नाम को, लेकिन मुझे लगता है कि आपको जब मौका मिले तो आप गलत को गलत और सही को सही जरूर कहें, जो आपका भी मैंने देखा है आप हमेशा से इसमें, कुछ जगह तो ऑफकोर्स ऐसा होता है कि आपको कुछ जगहों में आपको सेटबैक आता है, आपको जो है बहुत से लोग जाहिर सी बात है, देखें एक्टिविज्म हमारे इधर अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इसकी कॉन्नोटेशन ही चेंज कर दी गई है, इसमें अक्सर एक्टिविज्म को ये ऐसे बंदों को कहा जाता है जो जी बस कोई फैक्चुअल बात नहीं है, बस इन्हें चीखने का शौक है, आते हैं चीखते हैं चले जाते हैं, इन्हें हर चीज पे एतराज है। लेकिन मैंने अपने थ्रू आउट ईयर्स ये देखा कि कभी कभी आपको लॉ का भी सहारा लेना पड़ता है इसमें, कभी कभी आपको रिसर्च का सहारा भी लेना पड़ता है, इसीलिए मैंने इस पूरी चीज में से गुजरने के बाद एक थिंक टैंक बनाया जिसके साथ मैंने अपनी रोजी मुंसलिक नहीं की, वो इसलिए नहीं गई क्योंकि आपने बड़ा अच्छी बात कही कि वो कहीं ना कहीं आपको स्क्वीज करने की कोशिश करते हैं, अब वो इदारा इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बनिज्म के नाम से मैंने बनाया और उसका मकसद ही बनाने का ये था, और मेरे साथ अभी इतने ज्यादा लोग नहीं है लेकिन जितने लोग हैं वो लाइक माइंडेड लोग हैं और वो कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं इस सोसाइटी की तरफ। अब उस थिंक टैंक का मकसद यही था कि बहुत दफा जब आप एक्टिविज्म कर रहे होते हैं तो आपके पास इतना टाइम तो नहीं, तो आप हर चीज के ऊपर रिसर्च करें, आप हर चीज के पास, आपका फैक्ट लिटरेचर में भी हर चीज के मौजूद नहीं है, तो आई थॉट कि अगर आपके पास एक प्लेटफॉर्म एक इदारा होगा तो आप एक इंडिपेंडेंट रिसर्च कर सकते हैं जहां पे आपको ये डर नहीं होगा कि जी हुकूमत क्या कहेगी या मेरी रोजी चली जाएगी। ऑफ कोर्स ये थ्रेट हर वक्त होती है और आपको पता है इस वक्त कितना ज्यादा एनजीओस के ऊपर और सिविल सोसाइटी के ऊपर कितना ज्यादा जो है रिस्ट्रिक्शंस हैं और क्या क्या हुआ है, लेकिन मैंने फिर भी अपनी हिम्मत नहीं हारी और मैंने सोचा कि क्योंकि अर्बनिज्म के ऊपर ये सारी क्या है अर्बन डिजाइन का इशू है, तो क्यों ना मैं इस चीज को लेके चलूं, जैसे आपने एसडीपीआई का जिक्र किया कि उस जमाने में एनवायरमेंट के ऊपर कोई थिंक टैंक नहीं था, इसी तरह अभी अर्बन अर्बन डिजाइन के ऊपर आपके ठीक है आरिफ हसन है, बाकी और बहुत से लोग कराची में, लेकिन इस्लामाबाद और बाकी शहरों में अर्बनाइजेशन या अर्बनिज्म के ऊपर काम नहीं हो रहा, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस चीज को लेके चला जाए, और जब आपके पास एक प्लेटफॉर्म होता है और जब आप फैक्ट्स को हाईलाइट करते हैं तो फिर उनको चैलेंज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो हम लोग सिर्फ आइडियलिस्टिक रिसर्च नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हम लोग ऐसी रिसर्च कर रहे हैं जो आपके और मेरे एक एक जो आम आदमी सड़क पे जा रहा है उसके बारे में है, कि अगर एक बंदे को पब्लिक ट्रांसपोर्ट जरूरत है और आप दरख्त काट काट के सिर्फ सड़कें कुशादा कर रहे हैं और पोल्यूशन पैदा कर रहे हैं, तो क्यों ना हम उनकी आवाज को एम्पलीफाई करें और जो हमें इस चीज पे प्रोजेक्ट बेच रहे हैं कि ये तो लोगों की जरूरत है, तो उनको एक काउंटर आर्ग्यूमेंट दिया जा सके, तो आई थिंक आपकी पावर लोग होते हैं, आप किस हद तक लोगों को लेके चल सकते हैं, और डिफरेंट फैक्शंस हैं, मीडिया है, आम आदमी की आवाज और एक्चुअल उसके साथ मिलके उसकी आवाज को एम्पलीफाई करना थ्रू एन एम्पेरिकल रिसर्च, तीसरी चीज आपको ऑफ कोर्स अभी प्राइवेट सेक्टर को बीच में जरूर लाना है, क्योंकि जरूरी नहीं कि सारे लोग बहुत ज्यादा नेगेटिव थिंकिंग करते हों या बहुत ज्यादा उनका मकसद ही गलत हो, समटाइम्स हम समझ उनकी भी प्रायोरिटीज और इंटरेस्ट को नहीं समझते और उनको ऑल्टरनेट नहीं देते हैं, तो जब तक हम लोग यही अभी कोशिश करें या मैं अपना कहूँ तो वो यही कोशिश थी कि मैं किसी तरह ये प्रॉब्लम जो है क्या ये नीयत का प्रॉब्लम है या ये लैक ऑफ ऑल्टरनेट्स का प्रॉब्लम है या ये लैक ऑफ फैक्ट्स का प्रॉब्लम है, तो मुझे लगा ये कहीं ना कहीं तीनों चीजों का प्रॉब्लम है, तो कहीं ना कहीं इस थिंक टैंक के जरिए हम इन तीनों चीजों को लिंक करने की कोशिश कर रहे हैं। जबरदस्त। और अच्छा आपने इदारा बनाया है, मैंने इसके कुछ इनिशिएटिव्स देखे, और फिर वही बात है कि मतलब ड्रिवन बाय पैशन है आप, चूंकि पॉलिसी पब्लिक पॉलिसी एडवोकेसी में रही, पॉलिसी टेबल्स पे बैठी, तो अगर आपको क्या लगता है कि अगर आपको सिर्फ एक पॉलिसी
रिकमेंडेशन देनी हो, चाहे वो डोनर्स टेक्निकल एड एजेंसीज को हो या गवर्नमेंट को हो जिनके साथ डोनर्स काम करते हैं, तो वो क्या हो कि आई नो देर कुड बी अ लॉन्ग लिस्ट एंड देर इज अ लॉन्गर लिस्ट, लेकिन अगर एक आपको रिकमेंडेशन देनी हो कि भाई ये जो है ना जरूरी है, इसके बगैर तो चाहे आप जितने मर्जी और एक्शन प्लान बनाते जाए ये नहीं मामला सुधरना, तो वो क्या होगी? चीज जो चीज नहीं होती पाकिस्तान, वो पीपल सेंट्रिक पॉलिसी में होता है। पीपल सेंट्रिक को भी डिफाइन करना, ऑफ कोर्स आप कह तो देते हैं बड़ी पीपल सेंट्रिक पॉलिसी है, पीपल सेंट्रिक वो पॉलिसी होती है जिसमें एक आदमी को ये पता हो कि ये पॉलिसी क्या बनने जा रही है और किस लिए बनने जा रही है और मेरी इसमें नीड्स हैं कि नहीं है। मैं गिलगित बल्तिस्तान का इसमें जिक्र करूंगी। जब हम लोग वहां जाके कस्टमरी लॉज के ऊपर काम करते थे, कस्टमरी लॉ जो उनके लोकल लॉ हैं एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, पानी हो गया क्योंकि उनकी उसके साथ जरा मुआश जुड़ा हुआ था, तो वो लोग क्या करते थे कि उन कस्टमरी लॉज में नेम और शेम करते थे सोशल लेवल पे। अगर कोई मिसाल के तौर पे पानी का है तो उनको पता है कि जी पानी इतना इस्तेमाल होगा और आप जाया नहीं कर सकते, बहती नदी अगर आपके घर से बाहर से गुजर रही है आप उसके अंदर कुछ गंद नहीं फेंक सकते, और उसमें सोशल टेबू उसको बना दिया गया था। उसमें उनकी इस तरह से कस्टमरी लॉज थे कि उसमें आपकी इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन जो है वो आपकी सोशल लाइफ के साथ कनेक्ट कर दी गई थी। हमारी एक वहां पे कुछ लोग थे उनके साथ बातचीत हो रही थी और वो ऐसा कोई एक फोरम था जहाँ पे जवान लोग भी बैठे थे और बूढ़े लोग भी बैठे थे, और बूढ़े लोगों को ये एतराज था कि ये जवान हमारी चीजों को लेके चल नहीं रहे हैं जिसमें कस्टमरी लॉज भी थे। तो उसमें एक बात जो आई जहां मैंने उनसे पूछा कि आप इनको इतना दिल से क्यों लगा के रखते हैं, आप क्यों अमल करते हैं इनके ऊपर इतना ज्यादा, तो उनका एक ही जवाब था कि ये हमने और हमारे बुजुर्गों ने बनाए हैं, हमारी आवाज है इसमें और हमें ये पता है कि ये क्या कानून है और इसका फायदा क्या है और नुकसान क्या है। मैंने कहा तो स्टैट्यूटरी लॉ जो आपके हैं हुकूमती, उनके बारे में क्या ख्याल है? उन्होंने कहा उसका हम में से कितनों को पता है, एक तो वो अंग्रेजी में लिखे, दूसरा उनमें से कितने मीडिया पे या बाकी जगह हमें आके बताया जाता है वो लॉ क्या है। जब तक मेरी जरूरत नहीं पड़ती मैं उस किताबचे को या उन चीजों को उठा के नहीं पढ़ता। तो वो एक इतनी इंटरेस्टिंग बात थी कि वो मैंने अपने दिल से लगा ली, और मुझे अभी भी ये लगता है कि पब्लिक सेंट्रिक पॉलिसी मेकिंग बॉटम अप अप्रोच एक्चुअली प्रैक्टिकली जरूरी है, और हर पॉलिसी में अगर एक्चुअली फैक्चुअली लिख दिया जाए कि ये पॉलिसी पब्लिक सेंट्रिक पॉलिसी है और उसमें रिसर्च के जरिए बाकी तरीकों के जरिए अगर उस पॉलिसी को बनाया जाए जहां लोगों की आवाज हो, तो आई थिंक वो कोई पॉलिसी उसकी इम्प्लीमेंटेशन में भी इशू नहीं होगा। बहुत जबरदस्त बात है, और लोगों की आवाज में जो है ना खवातीन और जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज होती हैं उनकी भी आवाज है। वो ये भी देखना है कि जब पीपल सेंट्रिक कहते हैं तो इंक्लूसिव अप्रोच होनी चाहिए। ये जो लव्स है एम्पावरमेंट, ये अभी भी बहुत सारे शकों को शुभात पैदा कर देता है। लोग समझते हैं कि एम्पावर्ड औरतें चीखती चिल्लाती हैं अपने खानदान के लिए, मुसीबत का बायस बन जाती हैं या माशरे के अखलाकी अख्तार को बिगाड़ देती हैं। मतलब ये भी एक नजरिया है, एक स्कूल ऑफ थॉट है। तो आप बताएं आप किस किस्म की एम्पावर्ड खातून है एंड व्हाट इज योर ओन आइडिया ऑफ अ वुमेन्स एम्पावरमेंट? डॉक्टर चंदा, मैंने काफी अरसे जेंडर पे भी इश्यूज पे काम किया है और ऑफकोर्स आपकी भी बहुत सी ऐसी वर्कशॉप्स और जो है रिपोर्ट्स पढ़ी हैं, बहुत सा काम आपका देखा है। मैं हमेशा ये सोचती हूँ एम्पावरमेंट बेसिकली जो है वो एक इंसान की एम्पावरमेंट, मतलब क्योंकि हम जब ये कहते हैं कि एक वुमेन की एम्पावरमेंट, तो ऑफकोर्स हमारे तो बहुत मार्जिनलाइजेशन है तो आपको उसको स्पेल आउट करना पड़ता है, जो बजाते खुद एक बहुत अनफॉर्चुनेट बात है। लेकिन मेरे लिहाज से एक एम्पावर्ड औरत वो होती है जिसको अपनी लाइफ के डिसीजन करने में कोई इशू ना हो और अपनी नीड्स को हाईलाइट करने में उसको डर मत लगे, वो सिर्फ इसलिए कॉम्प्रोमाइज ना करे, क्योंकि हमारे इधर अनफॉर्चुनेटली, मैं खिलाफ नहीं हूँ हमारे फैमिली स्ट्रक्चर के, लेकिन हमारे इधर अनफॉर्चुनेटली एक बहुत बड़ा इशू है कि हमेशा से औरतों को कॉम्प्रोमाइज का कहा जाता है। औरतें अपनी नीड्स को कॉम्प्रोमाइज करें, औरतें अपनी नीड्स शेयर ना करें, औरतें अपने को एक्सप्रेस ना करें,
तो आई थिंक कि जहां आप एक्सप्रेशन दे सकें, जहां आप डिसीजन ले सकें, ये आपकी एम्पावरमेंट है. क्योंकि बहुत सी चीजें आपकी, चाहे वो कम्युनिटी लेवल पे है, चाहे वो किसी पॉलिसी लेवल पे है, लेकिन आई थिंक कि आपकी डिसीजन मेकिंग आपके अगर अपने हाथ में है, चाहे वो आपके अपने बारे में है या वो आपकी सराउंडिंग के बारे में है, देन यू आर एम्पावर्ड. पैसा या बाकी चीजें आपको इतना एम्पावर नहीं कर सकती जहाँ आपको डिसीजन मेकिंग जो है वो पावर एम्पावर करती है. अच्छा, ये जो डिसीजन मेकिंग है, तो इस हवाले से अगर आप अपना पर्सनल कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें या एक जनरल कोई बात करना चाहें तो करें कि इसमें मतलब चॉइसेस क्या होती हैं. जो कि मुझे ऐसा लगा कि बाज़ दफ़ा हमें डिसीजन मेकिंग में भी, जिस तरह वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में होते हैं ना, कि तीन चॉइसेस ही दी जाती हैं या दो दी जाती हैं, हो सकता है कोई चौथी चॉइस भी हो या पांचवी भी हो. एक तो ये, और औरतों की चॉइस को अगर वो डिसाइड करती भी हैं तो गलत या सही के भी खाने में डाला जाता है. ठीक है, मसलन मर्द जो है, बहुत सारी चीजें, मैं ये नहीं कह रही कि औरतों को किसी भी बेवकूफी या बदलेहाजी में मर्दों के बराबरी में आना चाहिए, मगर औरतें भी इंसान होती हैं, वो बेवकूफ भी हो सकती हैं, वो बदलेहाज भी हो सकती हैं, लेकिन उनको बहुत ज्यादा उसकी फिर प्राइस अदा करनी पड़ती है. तो मेरा क्वेश्चन ये होगा कि इस एम्पावरमेंट की कॉस्ट क्या आपने अपनी जिंदगी में देखी कि अदा करनी पड़ी, या और औरतों की जिंदगी में, चूंकि अक्सर लोग ये भी डराते हैं कि अच्छा एम्पावर्ड हो गई और अब क्या है. ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग वो होते हैं, वो समझते हैं कि जो ये एम्पावर्ड औरतें जो होती हैं वो अलग हो जाती है जो मेन स्ट्रीम का आपका माशरा है या आपकी फैमिली लाइफ से. नहीं, आपने ये बहुत अच्छी बात की, आपको बहुत ज्यादा इसकी प्राइस पे करनी पड़ती है. अगेन, उसमें ये होता है कि आपके अंदर इंड्योरेंस कितनी है, आप कितना इस चीज को वैल्यू करते हैं. क्योंकि देखें, आप जब एक चीज, मिसाल के तौर पे मैं आपको बताऊं, डिफरेंट फेजेस हैं. जब मैं आई थिंक अपनी टीन्स में थी, तो मैं ये जरूर जिक्र करूंगी, मेरे अब्बू थोड़े से लिबरल काइंड माइंडेड हैं, उन्होंने कभी बेटे बेटी में डिफरेंस एज सच नहीं किया. लेकिन फिर भी जब मैं 18 अबव हुई, और मुझे याद है कि ऑफ कोर्स मैं अपनी चॉइस के कपड़े पहनती थी, जिसमें हमारी सोसाइटी में शायद जो कपड़ों का फॉर एग्जांपल ये है कि आप ढके छुपे कपड़े पहने, दुपट्टा इस तरह करें, तो मैं ऐसी नहीं थी. आई वॉज वेरी ओपन हर लिहाज से, जैसे मेरा अपना शौक था मैं वैसे पहनती थी. उसमें मेरे ऊपर काफी टैगिंग हो जाया करती थी, और मुझे ऐसे लोगों को, क्योंकि वो मेरा डिसीजन था ना कि मैं क्या पहनना चाहती हूँ, मैं सोसाइटी के नॉर्म्स पे तो नहीं जाना चाहती थी, या ये नहीं करना चाहती थी कि जो मेरा दिल कर रहा है, जो मुझे सेटिस्फाई कर रहा है, मैं वो पहनूंगी. तो उसमें फिर मुझे काफी साइडलाइन कर दिया जाता था, या मुझे अक्सर ऐसे देखा जाता था कि ये एक जिसको आई डोंट नो वेदर आई कैन से इट और नॉट, लेकिन यू नो अवेलेबल का टैग बन जाता था. तो आपके साथ जो गुफ्तगू थी, वो अगर आप सीरियस भी करने गए हैं तो वो ट्रांसग्रेस कर जाती थी टुवर्ड्स पर्सनल इंटरेस्ट, जो भी उस काउंटर जो भी बंदा होता था ऑन द अदर साइड उसको होता था. तो वो मुझे काफी हद तक फेस करना पड़ा, और जब मैं उस चीज को स्नब कर देती थी डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो फिर करेक्टर असैसिनेशन वॉज एन ईजी थिंग टू डू, वो एक वेपन है जो आप यूज कर सकते हैं. लेकिन मैंने वही वाली बात कि आप में एंड्योरेंस और आप कितना उस चीज को वैल्यू करते हैं कि जो मैं कर रही हूँ मुझे खुशी दे रहा है. अगर मैं यही नॉर्म्स लेके चलना शुरू हुई, तो कल अगर मैं सफोकेट होगी तो मुझे तो इनमें से कोई नहीं निकालेगा उस मेंटल उसमें से. उसके अलावा फिर जब मैंने अपनी, जैसे बताइए, मेरा अपना डिसीजन था अपनी ड्रेसिंग, जैसे जैसे आप पेज करते हैं आप चेंज करते जाते हैं, उसके बाद जो मेरे ऊपर टैग लगा वो ये कि ये तो बड़ी स्ट्रांग हेडेड है, इसके साथ तो मत बात करो. मुझे मिस्टर का खिताब तक मिला एट सम पॉइंट इन टाइम. तो वो तो खैर मैंने उसको जिस तरह से डील किया वो यही कहा कि आपकी जेंडर इनसेंसिटिविटी है, मेरी नहीं, वुमन कैन बी एज स्ट्रांग. लेकिन वो जो स्ट्रांग हेडेडनेस है, उसमें फिर आपको आइसोलेशन भी देखनी पड़ती है. उसमें ऑफकोर्स देखें, पेट्रियार्की वही वाली बात है, माइंड सेट है, वो सिर्फ मर्दों के पास नहीं है, वो औरतों के पास भी कुछ के पास है. जब आपको एक स्ट्रांग हेडेड देखा जाता है, तो स्ट्रांग हेडेड कोई पॉजिटिवली नहीं आता आपकी तरफ. उसमें आपको चाहे प्रोफेशनली हो आइसोलेट किया जाता है, चाहे पर्सनल लेवल पे डोमेस्टिक लेवल पे हो आपको आइसोलेट किया जाता है. आपको डिक्टेटर का नाम तक देने से गुरेज इसलिए नहीं किया जाता, क्योंकि उन्हें पता है कि इसको पता है व्हाट शी नीड्स.
तो ये जो आपको प्राइस पे करनी पड़ती है, ये थोड़ी सी आपको जाके हिट तो करती है, लेकिन आप एक बार थिक स्किन पहन लें उसके बाद आपको ये लगता है कि ये सारे पागल हैं, मैं सही हूँ, लेकिन बहुत प्राइस पे करनी पड़ती है। आपने बड़ी अच्छी बात की, बिल्कुल चलिए जी, एम्पावरमेंट इज एक्सपेंसिव, और एक्सपेंसिव चीजें जो हैं वो बड़े अमीर लोगों के पास होती हैं, और सब अमीर लोग जो हैं मतलब ऐसे नहीं होते जिनके पास, जैसा किसी ने कहा था ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास सिर्फ पैसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अमीर होते हैं। सो यू आर वन ऑफ दोज बिलोंग टू द लेटर कैटेगरी। तो अच्छी बात है, मुश्किल काम कर रही हैं, अपनी धुन में लगी रहे हैं, दूसरों को इंस्पायर करती रहे हैं, और ये बताती रहे कि एम्पावरमेंट का एक मजा है। देयर इज कन्वीनियंस एंड सबऑर्डिनेशन, प्राइस तो है मगर उसमें एक अपनी फ्रीडम है। और अच्छा लगा मोमी, और मोर पावर टू योर वर्क, एंड थैंक यू। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर रक्षंदा, एंड ऑनेस्टली इट्स अ ग्रेट ऑनर टू बी स्पीकिंग टू यू, क्योंकि मैं वही जो मैंने शुरू में कहा था, वी हैव सीन यू, वी हैव लुक्ड अप टू यू, और आप सोच नहीं सकती हैं कि मुझे कितनी खुशी हो रही है कि आपने आज मुझे मधु किया, और दिस इज अ थिंग ऑफ ग्रेट प्राइड एंड ऑनर फॉर मी। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।